अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देहरादून में आप सभी का खैर मकदम है। हम खबरों पर एक नज़र। रियासत कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियों के मद्देनज़र चुनावी मुहिम भी तेज हो चुकी है। बयानबाजी पलटवार भी जोरों पर है। आज सिद्धरमैया ने बेंगलोर में कांग्रेस के इजलास में मोदी लहर पर कहा कि मोदी रियासत का दौरा नहीं बल्कि रोज भी आना शुरू कर दे तो भी भाजपा का हारना तय है। प्रजाध्वनी बस यात्रा के इफ्तिताही इजलास में साबिक वजीर आला सिद्धरमैया ने यह बयान दिया। बेलगाम कॉरपोरेशन मेयर डिप्टी मेयर चुनाव 6 फरवरी को होने की बात कही जा रही है। डिप्टी मेयर के लिए ओबीसी बी महिला के लिए रिजर्व है, लेकिन अब तक किसी ने भी अर्जी दाखिल नहीं की है, तो आखिर डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार कौन है, इस चर्चा भी जारी है। हाल ही में वतर वार्ड बजट नॉर्थ साउथ के लिए कुल 19 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बेलगाम में प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आई है और जाहिर है प्राइवेट स्कूलों की फी में भी जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और मनमानी कारोबार देखा जा रहा है। स्कूल एसोसिएशन की जानिब से आने वाले साल में 10-15% तक ही फी में इजाफा किया जाए, ऐसा स्कूल एसोसिएशन की जानिब से हिदायत दी गई है। स्कूल एसोसिएशन के सेक्रेटरी डी शशि कुमार ने तमाम प्राइवेट स्कूलों को सर्कुलर देने की बात भी कही जा रही है। बेलगाम और अतराफ में भी कई स्कूलों में मनमानी फीस को बढ़ाए जाने की शिकायतें दर्ज की गई है। आजकल सबसे बड़ा मसला हेलमेट को लेकर ट्रैफिक पुलिस का पकड़ना लग रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने इस मुहिम को तेज किया है। ट्रैफिक मुहिम कुछ ज्यादा ही बेदार होता नजर आया, लिहाजा जुर्माने की रकम बाज औकात इतनी बढ़ाई जाती है कि कुछ लोग गाड़ी को ही जगह पर छोड़कर जाना बेहतर ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी बाजारों में दुकानों के सामने पार्क किए स्कूटर मोटरसाइकिलों के फोटो भी पुलिस की जानिब से लिए जाते हैं और बतौर जुर्माना नोटिस भी घर तक भेज दिया जाता है। अब तो शहर की कई सड़कों पर ऐसी जगहों पर छिपकर पुलिस खड़े हो जाते हैं कि आसानी से बिना हेलमेट का सवार मिल ही जाता है। आवाम में तकरीबन सड़कों पर हेलमेट दस्तावेज मुहिम के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिसों पर नाराजगी जाहिर करते हुए देखा जा रहा है। लिहाजा ट्रैफिक महकमा की जानिब से अब ऑफर भी दी गई है, बिना हेलमेट पार्किंग को लेकर जुर्माना 4 फरवरी से 11 फरवरी तक भरने वालों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। इस ऑफर का फायदा उठाया सा ट्रैफिक महकमा की जानिब से बताया गया। ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11-7-23 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕದಾಲತ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಾಲತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿರುವ ರಾಜಿ ಆಗದಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ರಾಜಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಲೋಕದಾಲತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಬಿ ವೀರಪ್ಪ ಸಾಯರ್ದವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ ಕೇಸಸ್ ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಮನವಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರದಂತೆ ಶೇಷಕಾಲ 50% ಅಷ್ಟು ಏನು ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 2,01,000 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 5.5 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 5.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಫೈನ್ ಅನ್ನು ನಿನ್ನೆ ವಸೂಲಿಯಾಗಿದೆ. महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जानिब से बंबई में हो रहे एहतजाजी मोर्चे के लिए अपने नाम दर्ज कराने का ऐलान किया गया। वाजह रहे बेलगाम सरहदी मामले को लेकर बंबई में एहतजाजी मोर्चे का एहतमाम किया गया, जिसमें बेलगाम से मराठी लोगों की शिरकत हो रही है। एहतजाज में शामिल होने वाले महे समिति दफ्तर रामलिंग खिंड गली में अपना नाम दर्ज कराए, ऐसा ऐलान भी किया गया। अशोकनगर बेलगाम का शख्स सुनील तलवार की खानापुर के मलप्रभा नदी में डूबकर मौत हो गई। तैरने के लिए पानी में उतरने के बाद पानी की गहराई का अंदाजा नहीं आया, लिहाजा इसकी उसमें डूबकर मौत हो गई। किनारे बैठे लोगों ने इसे बचाने की कोशिश की लेकिन बचा ना पाए, ऐसा मुकामी लोगों ने बताया। एक और हादसे में सुल्तान सुलेमानी रेलवे ट्रैक पर अनजान शख्स की मौत हुई है। लाश को सिविल अस्पताल में रखा गया, अब तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है।
आने वाले साल 2024 में बेलगाम धारवाड़ वाया कित्तूर रेल रास्ते का काम शुरू होने वाला है। रेल महकमा ने इसे पिंक बुक में दर्ज भी किया हुआ है। फिलहाल बेलगाम धारवाड़ लोंडा इस तरह से घनी झाड़ियों में से ट्रेन आती है तो इसे काफी वक्त भी लग जाता है, लिहाजा धारवाड़ कित्तूर बेलगाम इस तरह कम वक्त में सफर तय करने के लिए रेल की सहूलत मुहैया की जाएगी बताया गया। कुत्ते तुझे नहीं छोड़ूंगा ऐसा अक्सर फिल्मों में डायलॉग कहते हुए सुना है, लेकिन बेलगाम बापट गली का वो कुत्ता मिलने को तैयार नहीं जिसने तकरीबन 11 लोगों को जख्मी किया हुआ है। आज भी पूरा दिन कॉर्पोरेशन मौकमा इस कुत्ते की निशानदेही कर गिरफ्तार करने की कोशिश में रहे, लेकिन नाकामी हाथ लगी। इस वक्त पुलिस मौकमा भी वहां पर उनके साथ रहा, इसके बावजूद भी कुत्ता हाथ नहीं लगा। बापट गली, गौड़ी गली, कड़ोनकर गली में तलाश जारी है। इस कुत्ते ने जिन लोगों को काट कर जख्मी किया है इन पर अस्पताल में इलाज जारी है। इस कुत्ते का खौफ अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि 11 जख्मी के बाद 12वां कौन की चर्चा भी जारी है। अब इस इलाके में आवाम में डर खौफ देखा जा रहा है और जब तक कुत्ते को पकड़ा नहीं जाएगा डर भी बरकरार रहेगा। यहाँ के आवाम की कैफियत ये हुई है कि कोई भी कुत्ता अगर सामने आ जाता है तो उसी कुत्ते का तसव्वुर किया जा रहा है, लिहाजा जल्द कुत्ते को पकड़ने की गुजारिश आवाम की जानिब से की गई है। बेलगाम शहर और अतराफ सरहदी इलाकों में कन्नड़ के फरोग के लिए और तालीम तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान वजीर आला बसवराज बोम्मई ने किया है। कन्नड़ गांव के फला बेबुदी के लिए खास तवज्जो देने की बात भी वजीर आला ने कही है। भले भक्तों को कुछ ना मिले लेकिन भाजपा के लीडरों की मिल्कियत तकरीबन 300% के करीब बढ़ने की खबर हासिल हुई है। हासिल इत्तला के मुताबिक कुल वैसे तो 71 सियासी लीडरों की मिल्कियत में 286% इजाफा होने की बात सामने आई है, जिसमें कर्नाटक के भाजपा के रमेश जिगजिनी और पीसी मोहन का भी नाम दर्ज किया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक 71 सियासी लीडरों की मिल्कियत में 286% यानी कि तकरीबन 300% इजाफा होने की बात सामने आई है। रमेश जिगजिनी की 2009 में 1,18,00,000 रुपए, 2014 में ये फिर बढ़कर 8,94,00,000 हुई, तो 2019 में 50,80,00,000 तक पहुंची। इसी तरह पीसी मोहन की कमाई में भी जबरदस्त इजाफा हो चुका है, लिहाजा इतना तो जरूर कुछ अंधभक्तों को समझना चाहिए कि नेताओं की कमाई तो बढ़ती रहती है और अंधभक्तों को सिवाय जज्बाती बयान के कुछ हासिल नहीं होता, इतना जरूर है। बेलगाम शहर में कई इलाकों में घर पट्टी बाकी है और वो बड़े पैमाने पर, आवाम भी इसे लेकर संजीदा नजर नहीं आती, लेकिन कॉर्पोरेशन कमिश्नर रुद्रेश गाड़े ने नोटिस के जरिए कहा है कि अगर घर पट्टी बड़े पैमाने पर भरी नहीं गई तो इनका पानी और बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। खास बात यह भी है कि कुछ स्कूल कॉलेजेस का नाम भी इस फहरिस्त में दर्ज है जिनसे कमर्शियल तौर पर घर पट्टी वसूल की जाएगी, ऐसा बताया गया, लिहाजा इस फैसले के बाद स्कूल कॉलेजेस वालों में नाराजगी भी देखी जा रही। बेलगाम शहर में किला में हजरत बदरुद्दीन आरिफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कवाली का प्रोग्राम भी रखा गया था, जुमेरात को संदल और जुमा को उर्स शरीफ मनाया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
ಪೆದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯತೆ